हेलो फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपका नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम का एक बेसिक पार्ट हम कर चुके हैं जिसके अंदर आपको नंबर सिस्टम जैसे होल नंबर्स, रियल नंबर्स, इंटीजर और जो भी नेचुरल नंबर्स का क्या ग्रुप होता है, कैसे होता है, और नंबर्स में टाइप में ओड नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं हमारे लास्ट वीडियो में, तो उसको आप देख सकते हैं, इसका लिंक ऊपर आपको मिल जाएगा। क्लियर दोस्तों, आज मैं क्या कर रहा हूँ कि एक कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ जो आपको NCERT का आपका 1.1 एक्सरसाइज होगी, उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस है जो आपके आते हैं सिंपल से, कि आपको ये पूछा जाता है कि फाइन टू नंबर्स और फाइव नंबर्स और सिक्स नंबर्स कि कुछ नंबर्स बोलता है कि बिटवीन टू गिवन नंबर्स के से आप निकालिए। जैसे क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि फाइंड क्वेश्चन फर्स्ट इज फाइंड फाइव रेशनल नंबर्स बिटवीन वन एंड टू, और एक क्वेश्चन है मेरे पास सेम ऐसा है, आपको फाइव नंबर्स फाइंड आउट करना है किसके बीच में, 1/2 और 1/3 के बीच में। क्लियर, तो पहले मैं फर्स्ट वाले को ले रहा हूँ कि आपको टू नंबर्स गिवन है उनके बीच में आपको फाइव नंबर्स फाइंड आउट करना है, जैसे 1 और 2। इसका सबसे सिंपल सा तरीका, एक तरीका ये है दोस्तों, मैं दोनों ही बता देता हूँ, जो आपको सबसे बेस्ट लगे वो आप कर लीजिएगा। फर्स्ट मेथड ये है कि आपको बुक के अकॉर्डिंग एक को R ले लीजिए, दूसरे को S ले लीजिए, और फिर बीच का नंबर जो निकालना है नेक्स्ट नंबर, तो उसका फॉर्मूला होता है R+S/2। जैसे हमें निकालना है इनके बीच में एक नंबर, तो क्या हो जाएगा 1+2/2, तो हो गया 3/2, ये निकल गया। अब नेक्स्ट 2 लेना है तो 3/2 के बीच में, या फिर यूँ लीजिए इन दोनों को ले लीजिए, या फिर इन दोनों को ले लीजिए, इन दोनों को ले रहे हैं तो ये R बनेगा, ये S, अगर इन दोनों को ले रहे हैं तो ये R और ये S बनेगा, फिर सेम ही सिचुएशन आगे से आगे करते जाएंगे। क्लियर, एक तो ये मेथड हो गया, और एक मेथड ये हुआ दोस्तों कि मैं दूसरा ऑल्टरनेट मेथड, 1 और 2 आपको गिवन है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो हम 1 लगा सकते हैं। मुझे कितने नंबर्स निकालने थे, और मुझे निकालने थे 5 नंबर्स, ठीक है, तो 5+1 कर दीजिए आप, हो गया 6। 6 से आप क्या करें, दोनों के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दें। क्लियर, दोनों नंबर्स के ध्यान रखना, इनका डिनोमिनेटर पहले से सेम हुआ होना चाहिए, नहीं है तो करना पड़ेगा, जैसे सेकंड क्वेश्चन में नहीं है तो इसको हम करेंगे, पहले इसको क्लियर कर लें। तो 1 × 6 6 एंड नीचे 6, और सेकंड में 6 हो जा 12 और इधर हो गया 6, तो देखिए इन दोनों के बीच में कितने नंबर्स मिल सकते हैं, 6 पहला फर्स्ट नंबर मिला मेरा 7/6, सेकंड मिला आपको 8/6, 9/6, 10/6, 11/6 और नेक्स्ट है 12/6, ठीक है, तो ये सारे नंबर्स आपको मिल गए हैं जो इनका सीक्वेंस है, 1 2 3 4 5 नंबर्स आ गए। क्लियर दोस्तों, अब सेकंड क्वेश्चन जो आपको पूछा है उसको मैं ले लेता हूँ, 1/2 और 1/3, ये थोड़ा सा अलग है, इसको भी देख लीजिए, मुझे सेकंड वाला मेथड ज़्यादा समझ में आता है दोस्तों, तो सेकंड वाले से मैं करता हूँ। आपको मैंने क्या बोला था, 1/2 और दूसरा गिवन है आपको 1/3, ठीक है, इन दोनों के बीच के अंदर मुझे 5 नंबर्स चाहिए, कितने 5 नंबर, तो ठीक है, पहले तो देखिए 2 और 3 इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो पहले डिनोमिनेटर दोनों का सेम करना पड़ेगा, मतलब एलसीएम ले डालिए, तो एलसीएम में ये देख रहे हैं इधर 3 इधर 2 है, दोनों का एलसीएम 6 आता है, 6 का मतलब इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, और इसको मैं मतलब 1/2 वाले को 3 से और 1/3 वाले को 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों को, तो हो गया 3/6 और ये हो गया 2/6, अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया दोस्तों। अब कितने नंबर चाहिए, तो 5 नंबर्स, तो 5+1 6, अगर 6 नंबर चाहिए तो 6+1 7, ठीक है, तो मुझे 5 चाहिए, तो मैं क्या करूं, 6 से दोनों के न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को दोनों के नंबर्स को मल्टीप्लाई करूं, जैसा कि मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में भी किया है, तो 6 × 18 और 6 × 36, सेकेंड वाले में 6 × 12 और ये 36, अब देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, अब नंबर्स इनके बीच में आप निकालना चाहो तो कौन कौन से निकल सकते हैं, पहला बना 17/36, सेकंड बना 16/36, 15/36, 14/36 एंड 13/36, 12/36, ठीक है, और बस 1 2 3 4 5 6 नंबर दिख रहा है, तो आपको 5 चाहिए तो 5 नंबर ले सकते हो, तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आए तो कर सकते हो दोस्तों, कि 2 गिवन नंबर्स हैं उनके बीच में और रेशनल नंबर्स निकालना, 5 निकालना, 10 कुछ भी निकाल सकते हो, जितना पूछा ना उससे +1 कर देना, बस एक चीज़ ख्याल रखना कि अगर इनका डिनोमिनेटर सेम नहीं है ना
ठीक है, तो डिनोमिनेटर आपको सेम करना होगा, फिर उसके बाद फिर प्लस वन कर देना जो भी नंबर है। क्लियर दोस्तों? तो आप कीजिए इस तरह के क्वेश्चन, और कहीं कुछ वीडियो में आपको डाउट हो कमेंट ज़रूर कीजिए दोस्तों। आगे से आगे हम नेक्स्ट टॉपिक्स को लाते जाएंगे और आपकी हेल्प करते जाएंगे दोस्तों। वही कहूँगा कि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन आएगा उस पर क्लिक जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको नाइन्थ में तो हेल्प करिए करेंगे, टेंथ क्लास में भी आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। आप हमारे चैनल पर आएंगे तो आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स? ओके, थैंक यू।